woman that she was with me. D, up much better. Perfect. Yes, yes, yes. Correct. Yes. अब हम शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से. So there, my son also joins from the other room, Gautam. उनका नाम है and he is joined from there. उनको हाय गौतम. उनको रोक के रखा हुआ है कि लाइक आवाज नहीं करना, कमरे में बैठना, डिस्टर्ब नहीं करना, तो वहां से देख रहे हैं. एंड या सो माय क्वेश्चन वाज विद यू कि लॉकडाउन की वजह से कौन सी चीजें अपार्ट फ्रॉम योर वर्क और कौन कौन सी चीजें आप मिस कर रहे हो. मैंने आपसे कहा ना कि लॉकडाउन पीरियड में मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, शुरुआत वहीं से करूंगा, शायद वो जवाब डिस्टॉर्टेड था, ऑडियंस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा. झाड़ू पोछा बर्तन बस इसी में मेरा वक्त गुजर रहा है, इसी में मेरा वक्त जा रहा है. मिस क्या क्या कर रहे हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम काम तो डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, शूट्स आपके मिस कर रहे होंगे, लेकिन और क्या क्या चीजें मिस कर रहे हैं. अपनी आजादी मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा, मतलब दोस्तों से मिलना, काम पे जाना, सबसे ज्यादा आदमी वही मिस करता है. और यहाँ पे मेरा आजादी से तात्पर्य ये है कि मुझे जैसे ही ये पीरियड खत्म होगा मुझे झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करना पड़ेगा. बाकी जहां तक काम की बात है, एक्टिंग की दुकान तो बिल्कुल बंद ही है, जैसा शूटिंग्स बंद पड़ी हैं, लेकिन एज यू नो कि मैं छोटा सा डिजिटल प्रोडक्शन हाउस भी है, तो उसी में छोटा छोटा कुछ ना कुछ करते रहते हैं. Exactly. So, I would talk about the video which abhi I think 2 din pehle aapne release kiya hai. That was also amazing thing that you presented. अभी देखिए इंस्पिरेशन होती है, अक्षय कुमार साहब का एक गाना हमने देखा जो इन्होंने अवेयरनेस के लिए किया, तो उसको देख करके माइंड में आइडिया आया. तो मेरे एक फ्रेंड है शिवानी ठाकुर, उनका बेटा है, ही इज ए म्यूजिक स्टूडेंट आल्सो, और म्यूजिक घर पे बैठ के उसने कुछ बनाया और बना करके अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाला. उसने मुझे टैग किया, मैंने गाना सुना, मुझे अच्छा लगा. मैंने उसको बोला बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कुछ करूँ, इसके साथ बनाऊँ इसको वीडियो वगैरह, तो तुम मुझे दोगे? तो उसने बोला अरे पूछने वाली बात ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और अच्छे से करके दूं. तो उस बच्चे ने एक दिन का और वक्त लिया और बराबर उसको बढ़िया से लिखा और दोबारा से रिकॉर्ड करके फिर मुझे भेजा. देन मी एंड आशीष, यू नो आशीष मेरे भाई, मेरे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑल्सो, और हम दोनों ने मिलकर जितने भी हमारे दोस्त मित्र यार जो एक्टिंग लाइन से बिलोंग करते हैं, सिंगिंग लाइन से बिलोंग करते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी हैं, उनको सबसे बात की, पूछा, और क्या नाम है, जिसने यस बोला सबको हमने इनवाइट किया, और सब एक्टर्स ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सबको उनके उनके पोर्शंस भेज दिए हमने, उन्होंने रिकॉर्ड किया खुद से, जहाँ पे वो गलती करते थे उनको हम फोन पे समझाते थे, मैसेज में बता देते क्या इस तरीके से रिकॉर्ड करो करके उन्होंने भेजे. और आशीष ने चूंकि कोई और अभी सब बंद है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो आशीष ने खुद ही इसको एडिट किया और बहुत ही खूबसूरत एडिट किया. बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज द एडिट एंड उसके वर्ड, उसकी हार्ड हिटिंग जो शब्द हैं बच्चे ने गाया बहुत बढ़िया है. और रैप करना इतना आसान नहीं है, रैप गाना इतना आसान नहीं है, और स्पेस के साथ गाना आसान नहीं है. तो वी ट्राइड आवर बेस्ट और हमने उसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो वीडियो ये वाला कहाँ और कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? हमारा एक YouTube चैनल F3 Studios के नाम से, वहाँ पे महामारी के नाम से ये सॉन्ग है, महामारी लॉकडाउन रैप, और जितने भी व्यूअर्स हैं वो वहाँ जाकर के महामारी लॉकडाउन रैप को देख सकते हैं. Yes, please do watch. जान केदार आशीष मेरे भाई, तुझे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. Oh, it's his birthday. Happy birthday. आशीष का बर्थडे था 2 दिन पहले. डार्लिंग, इट्स नॉट आशीष भाटिया, इट्स आशीष आशीष मेहरोत्रा. सो सर आप खाना मतलब बिल्कुल किचन वाला काम नहीं कर रहे? मैं किचन वाला काम, मैंने कहा ना बर्तन मांजने का काम मेरा है, और मेरी धर्म पत्नी जो है बहुत अच्छी कुकर हैं, तो मैं उस कुकर की सीटी बजाता हूँ. मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अननेसरी अपने घटिया टेस्ट को किसी और को पेश करूँ या उनको खिलाऊं. तो वो अच्छा खाना बनाती हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, बहुत जरूरी काम हम कर लेते हैं. सामान वगैरह सारा मिल जाता है आपके वहाँ पे? और यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद दैट? हाँ जी, सामान वगैरह आपका सारा मिल रहा है वहाँ पे?
सामान बस मैं आप समझ लीजिए जो 5-7 मिनट मैं लेट हुआ हूँ यहाँ पर आपके साथ लाइव चैट में आने से आने के लिए, वो मैं राशन का जुगाड़ करने गया था ग्रोसरी स्टोर और वहाँ से सब लेकर आया, तो उसमें थोड़ा सा लेट हुआ, तो इसलिए 5 मिनट मैंने आपसे माफी मांगी कि मुझे दीजिए आप। और सर मैं मतलब शुरुआत तो उससे करना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी अबाउट एक्टिंग, मतलब आई जस्ट नो दैट यू आर फ्रॉम दिल्ली और वहाँ पे आपने आपका तो मतलब आपके फादर का बिजनेस भी था और आप शायद बिजनेस पे लग भी चुके थे, फिर क्या हुआ? बहुत लंबी कहानी है, वो कहते हैं ना कि एक्टिंग का कीड़ा जब काटता है तो बहुत जोर से काटता है, आवाज नहीं करता, लेकिन मेरा काटा हुआ कीड़ा थोड़ी आवाज कर रहा था, मैं जैसे जो अंदर ही अंदर चल रहा था वो मैं अपने बड़े भाई हैं मेरे, ताया जी के बेटे, मेरे कजन ब्रदर हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था शॉप पे बिजनेस में। उन दिनों बहुत मंदी का दौर चल रहा था, काम तो होता नहीं था, बैठे रहते थे और वेट करते थे कस्टमर्स को, आएंगे तो काम करेंगे। तो भाई से बैठ के बात कर रहा था कि एक दिन आएगा भाई देखना ये मैगजीन में, देखो ये शाहरुख खान की फोटो देख रहे ना, तेरे भाई की फोटो ऐसी आएगी मैगजीन के अंदर, बस ऐसी कुछ चल रहा था। तो पिताजी पीछे खड़े थे, मुझे पता नहीं था, पीछे से एक गाली आई और उल्लू के पट्टे, बातें मत कर कुछ करके दिखा। तो मैंने कहा यहाँ से छोड़ोगे तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा ना, यहाँ पे बांध रखा आपने दुकान पे, कह रहा आज के बाद शक्ल मत दिखाना यहाँ पे, निकल जा इधर से, एक जा तुझे एक साल का वक्त दिया, अगर कुछ कर लिया तो ठीक, नहीं तो वापस आना यहीं पे। मैंने कहा ठीक है जी। तो बस वो दिन हम निकल गए अपना बोरिया बसरा उठा के, थिएटर शुरू किया, जर्नी शुरू हुई, फाइंड आउट किया कहाँ पे क्या होता है, मंडी हाउस गए, दिल्ली में मंडी हाउस एक करके जगह है, वहाँ पे श्रीराम रेपेट्री है, वहाँ पे सेंटर है, NSD है वहाँ पर, तो वहाँ पे मुझे पता था कि थिएटर के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं शाम को, और आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर और वहाँ पे मिलना जुलना शुरू किया, थिएटर में मौका मिला, एक दोस्त है मेरे दीपक शाह, उन्होंने मुझे मदद की, मदद क्या की, एक लड़के ने मदद की जिसकी वजह से मैं उनका दोस्त बन गया उसके बाद, तो आज तक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करवाया, मैंने थिएटर शुरू किया, 3 साल थिएटर और साथ साथ दिल्ली में एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करता रहा, कुछ सीरियल्स वहाँ मिले, पंजाबी सीरियल, उस वक्त मैं 2 सीरियल में मेन लीड मुझे मिला, वो 2 सीरियल्स मैंने मेन लीड में जब अल्फा टीवी पंजाबी और ATC पंजाबी पे आते थे, वो एक का नाम था उड़ीक और एक का नाम था प्रीत, दोनों में मेन लीड में था, बस जैसे ही वो 2 मेन लीड मिले मैंने बोरिया बिस्तर उठाया और मुंबई आ गया कि इससे जो पैसा वहां से कमाऊंगा वो यहाँ से यहाँ पे स्ट्रगल में काम आ जाएगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड और आज 21 साल हो गए नहीं गए, मुड़कर नहीं देखा। So your dad is proud of you with this. जो वो 1 साल का time, he's happy that he gave you that one 1 साल का time. Hi Zainab, hi Zainab Bawan, Zainab Awan, 90. Yeah. So your dad is happy and proud that he gave you that 1 year. हर माँ बाप खुश होते हैं और he has a reason to be happy, so I am happy that he's happy. Good, that's great. So sir, acting और इसके अलावा और क्या hobbies वगैरह हैं? मेरी हॉबी सही बताऊं तो मैं खाली नहीं बैठ सकता एक्चुअली, देखा जाए तो मेरा नाम है कोई गेम्स वेम्स, ज्यादा क्रिकेट मैं खेला करता था एक जमाने में बहुत, और बहुत शौकीन था क्रिकेट का और क्रिकेट अभी मुझे पसंद है, लेकिन मौका नहीं लगता है तो मैं, मुझे एक्चुअली काम का बहुत पैशन है, थोड़ा सा सोशल वर्क का पैशन है समझ लीजिए कि आई एम रेडी टू हेल्प एनीवन, सो निकल जाता हूँ कभी भी, सोसाइटी में बिजी रहता हूँ और खाली नहीं बैठ सकता, इसलिए खुराफाती दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे ये लॉकडाउन पीरियड में तो ये गाना बना लिया, प्लस अभी सोचा कि यार क्या करें, तो वाइफ को बोला अरे काम करते हैं, घर में बैठे तो तुम्हारे साथ कुकरी शो के कुछ वीडियो घर में बना लेता हूँ, सो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि हाउ प्रोसीड। हाँ जी, गाने वगैरह गाने का शौक नहीं रखते हैं? बहुत ही घटिया गाता हूँ, बहुत ही बेसुरा गाता हूँ, बस बाथरूम सिंगर हूँ तो गाना क्या गाऊंगा, गाना सुनने का डेफिनेटली शौक रखता हूँ। गाने के ऊपर सोचा था एक्चुअली सर, अब तो मैं बता सकती हूँ आपको। नहीं, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, मैं मेरे से गाया नहीं जाता और सुनूंगी मैं आपको फिर दूसरे गेम में फंसाऊंगी, क्योंकि गेम तो मैंने खेलना है आपके साथ। हाँ, एनी टाइम प्लीज, जरूर जो गेम खेल पाएंगे वो खेलेंगे। नहीं, वो बहुत इजी वाले ही गेम रहते हैं, सो उसमें आप हेल्प भी ले सकते हो ऑडियंस वगैरह की भी, तो वी विल प्ले अ स्मॉलर गेम लेटर, बट देन राइट नाउ आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर फैमिली आल्सो, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर डॉटर, हाउ इज शी, व्हाट इज शी डूइंग, कितना आपको परेशान कर रही है,
लॉकडाउन पीरियड में आप उसके साथ कितना मतलब क्या क्या कर रहे हो? कौन, मेरी डॉटर? या My daughter is the cutest one. She is the one जिसकी वजह से समझ लीजिए हमारा पूरा वक्त निकल जाता है. Okay. और हाँ, और बस थोड़ा सा तकलीफ इस बात की है कि भी स्कूल वूल उसके हैं नहीं, तो बेचारी अकेली पड़ जाती है. पहले तो चलो नीचे चली जाती थी, थोड़ा सा घूम लेती थी, अभी क्या माँ बाप की शक्ल देख देख के वो भी पक गई है. तो थोड़ा सा वक्त टीवी में, थोड़ा सा मोबाइल में, थोड़ा सा हमारे साथ, थोड़ा सा पढ़ाई में, तो बस डिवाइड कर देते हैं टाइम. लेकिन जितना टाइम वो हमारे साथ खेलती है तो वो हमारे सर पे तांडा भी करती है. और उसको डांस का बहुत शौक है, तो शाम को रोज हमारे यहाँ गाने चलते हैं और वो डांस करती है. उसको मैंने जस्ट एक डेढ़ महीना पहले उसे कथक क्लास में ज्वाइन करवाया था. तो कथक क्लास में तो इतना पैशन है, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हो गया. तो एक मिनट, मेरा कुछ मेरा कैमरा उल्टा हो गया. आओ 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 आओ. हाँ, तो क्या नाम है, उसे लॉकडाउन पीरियड की वजह से क्लासेस नहीं जा पाई, तो टीचर ने कुछ वीडियोस बना करके भेजे हैं. Okay. तो देख करके वो प्रैक्टिस करती है. तो उन वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करती है, तो बस शाम को वही प्रैक्टिस सेशन चलता है कथक का. नाइस, दैट्स व्हाट लाइक सो बिकॉज़ द किड्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि बेचारों को इतना आदत रहता है उधम का, फ्रीडम का, उनको समझ में नहीं आएगा ये कोरोना वायरस क्या है या वायरस. आई एम ग्लैड माय डॉटर इज वेरी कोऑपरेटिव, और उसने इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत कोऑपरेट किया, वरना बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं और बहुत तंग करने लगते हैं. अभी 5-6 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती. But she is so cute, she is so sweet. उसने बहुत कोऑपरेट किया है. और एक वीडियो उसके लिए, उसके साथ भी बनाया मैंने कोरोना अवेयरनेस के ऊपर, जिसमें वो लेक्चर दे रही है कि हाथ धोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो she was giving lecture, तो मैंने वो बना के, हाँ हाँ, तो उसे भी बिजी रखा है यूट्यूब वीडियोस बनाने में. मैंने कहा ना क्रिएटिविटी चलती रहनी चाहिए. आपको शहर के नाम बताने, इंडिया, फॉरेन, अब्रॉड, मतलब कोई से भी सिटी, कोई भी सिटी. मतलब ऐसा जीके में फंसा रहे हो जिसमें कि मतलब बेइज्जती हो जाए. हेल्प भी ले सकते हो और मैं अक्षर आपको दूंगी आपका ही नाम जिससे शुरू होता है. सुनिए, मतलब जीके इतनी खराब है, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता ना तो IAS अफसर होता, बाय गॉड की कसम. अरे सर, शहर के नाम तो ऐसे ही सबको पता होता है, इसमें कोई बहुत ज्ञान की बात नहीं है. और ये तो बहुत ही इजी है, आपके नाम जो नवीन है N से ही शुरू करते हैं. N नाम के कितने शहर का नाम बता सकते हैं आप? ऑडियंस वाल कैन हेल्प हिम, यू ऑल कैन टेल हिम. शहरों के नाम बताने हैं इंडिया के, या बाहर का भी चलेगा, या कुछ ऐसा है? विदेशी भी चलेंगे, वो मैं इजी कर देती हूं. नागपुर, नागालैंड, दिल्ली में एक जगह है नारायणा, नवी मुंबई, नासिक, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क. नालंदा यूनिवर्सिटी, श्वेता जी हैज जॉइंड अस. श्वेता जी, जो आपको, आपसे एक्ट्रेसेस के नाम गिनवाए थे, सर से मैं शहरों के नाम गिनवा रही हूँ N से, तो आप भी हेल्प कर दो. किसकी बात? श्वेता से ना. हाँ, श्वेता जी हैं क्या? सिंपली श्वेता यही है क्या? ओहो, सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल नहीं है. हाय श्वेता जी. तो N से और सिटीज, अभी आपका टाइम चल रहा है. हिल स्टेशन इतना फेमस है जिसमें ताल भी है. मैं थोड़ी गया हूँ. नैनीताल, नपुचिया ताल. आपने एक पूछा, मैंने दो बताए. नैनीताल, नपुचिया ताल, और नॉर्वे. ओके, सो यू आर द विनर. यिप्पी. देखो, 7 या 8 तो बता दिए मैंने. उससे ज्यादा ही बताए, बिल्कुल उससे ज्यादा बताए. हाय मोनू भारद्वाज, हाय
आभा परमार जी, आभा, ओ आभा जी नमस्कार सर, आभा परमार जी भी ऑनलाइन है और उन्होंने थैंक यू जैनब फॉर हेल्प, बट मैंने नॉर्वे आपको देख के नहीं बोला, मैंने अपनी तरफ से बोला था जी। ओके सो वी आर हैविंग सम पीपल सर, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना, मेरा फेवरेट गाना है वो अखियों के झरोखों से मैंने पूछा जो सारे बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। क्या बात है, आप बोले थे आप अच्छे से गाना गाते हो और दुआ ही लिया। और ये बाथरूम सिंगिंग तो मतलब चलती रहती है, ऐसे ही वाले हमको गाने सुनने थे सर। अब तो आपको खेलना पड़ेगा बिकॉज़ यू डिड सिंग वेल। अभी आपने मुझे लपेटा हुआ है तो जो आप बोले हम वही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आभा जी। सो सर, अब आप मुझे चार गाने गाइए जिसमें चांद वर्ड आता हो कहीं पे भी। चार गाने गाऊं कौन से? चांद वर्ड जिसमें आए कहीं पे भी, पहली दो लाइन में, जरूरी नहीं है स्टार्ट चांद से हो, कोई से भी कहीं पे भी। चांद से मुझे याद आया कि अगर चांद को गलती से अगर सांड कहा जाता तो क्या होता। आप बिल्कुल वही गेम है, आप सांड करके गाइए सर, बहुत मजा आएगा। कोई से भी चार गाने। सांड सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। और एक है, मैंने पूछा सांड से के देखा है कहीं मेरी सांडनी सा हसी, सांड ने कहा सांडनी की कसम नहीं नहीं नहीं। अमेजिंग अमेजिंग। सांडनी राते और क्या देखो सांड नजर आया, सांड मेरा दिल सांडनी हो तुम, सांड से है दूर सांडनी कहाँ। Amazing, that तो नीच ना दो, lots of तालियां तालियां तालियां। ओम आवाज़ जी के लिए तो जो गाना उन्होंने गाया वो भी आप गाए दीजिए, सांड आए है मरेगा। So Abba ji bhi, I think the next few days she'll also be coming online here. Unke saath bhi aise kuch games khele jayenge, to tab aap unko unke demand karega koi se particular game ki. So iske alawa, aur sir aap ye bataiye ki anything creative that you do for like, you know, because I know you have done so many creative things, which is the best role that you have loved? The best role I have loved in my life is, there are two roles which are very much near to me. One is Bidai mein Veenu ka character jo play kiya, wo mere wo mera bahut hi yaadgar role raha. Aur ek character maine kiya tha, ye kahan aa gaye hum, Balaji Telefilms ka ek show tha, usme ye kahan aa gaye hum mein father ka character tha Karan Kundra ke, so Raj Kundra, Raj naam tha character ka. अच्छा जी। तो वो बहुत ही शानदार रोल था, ये दो कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है। और अभी जो मैं कुंडली भाग्य कर रहा हूँ जिसमें महेश लूथरा का रोल मैं कर रहा हूँ, बड़ी हैप्पी गो लकी सर, वेरी वेरी रिलेटेबल, मतलब काफी उस इंसान से मतलब आप रिलेट कर सकते हो जो आप अभी का जो रोल है। इनफैक्ट अभी किसी ने चैट पे लिखा था कि जब तक कुंडली तो ये दो तीन कैरेक्टर हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं और बहुत उसमें वो एक मिनट होल्ड कीजिएगा, वो उसमें संतरे संतरे वाले हैं, तो ये मेरे बहुत नजदीक हैं। सो सर, जैसे एक रोल की बात करी, वैसे सबसे खास कोई फैन जो आपका जो या तो कुछ बहुत उन्होंने अलग कोई चीज किया, या तो वियर्ड कुछ किया हो या बहुत कुछ अलग सा किया जो याद रह जाए, कोई पर्टिकुलर फैन आपको, कोई सा ऐसा कुछ? आवाज आवाज आवाज
क्या 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 कहा था आपने आवाज कट गई? कोई ऐसा इंसिडेंस जहाँ पे किसी फैन ने बहुत कुछ अलग करा हो, कुछ वियर्ड? मतलब आई वुड से मैं बहुत नॉर्मल फैन थी आपकी, बहुत मतलब मैंने कोई वियर्ड चीज नहीं करी थी, सीधी सीधी आपसे बात करी थी एंड ऑल दैट, पर ऐसे कोई फैन जिसने कुछ यू नो कुछ या तो बहुत अच्छा करा हो या कुछ बहुत एम्बैरेसिंग या कुछ एनी इंसिडेंस विद एनी पर्टिकुलर फैन इफ यू हैव दैट यू वुड लाइक टू शेयर? मौका दिया नहीं मतलब कहीं पे भी जैसे आपको मॉल में पकड़ के फोटो वोटो खिंचवाने के लिए कुछ एम्बैरेसिंग है कुछ? सर आपका फिर से चेहरा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ना कि मुझे किसी फैन ने एम्बैरेसमेंट का मौका नहीं दिया, मुझे आपसे पूरी उम्मीदें थी, बट आप भी बिल्कुल आपसे उम्मीदें थी एम्बैरेसमेंट करने के लिए, आप भी बिल्कुल नल्ले निकले। नहीं, आई डिडंट मीन ओनली एम्बैरेसमेंट सर, कभी कोई चीज याद रह गई हो कि इस फैन ने कुछ ऐसी चीज कही हो या करी हो या मूड खराब था तो फैन बहुत ज्यादा कई बार मैसेज करते हैं, हाउ आर यू, व्हाट व्हाट व्हाट, तो मैंने बोला यार प्लीज डोंट गिव मी टेंशन, आई एम स्ट्रेस्ड राइट नाउ, सो डोंट टॉक टू मी। सो बोले क्या हुआ? मैंने बोला यार कुछ नहीं, मुझे बहुत बिजनेस लॉसेस हो गए और बहुत फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा है, सो कैन यू हेल्प मी है, अननेसेसरी बेकार की बातें कर रहे हो, मैंने ऐसे लिख दिया कि ना हां आई कैन हेल्प यू, टेल मी हाउ मच मनी आई वांट यू वांट आई विल ट्रांसफर योर अकाउंट। So sweet of her, but ठीक है, that's fine. That was a ऐसी था, but I was touched कि यार मतलब लोग ऐसे भी हैं और इतना अच्छा, इतना प्यार और इतनी हाँ। कोई सी शूट पे कोई सी पर्टिकुलर मेमोरी बहुत, जैसे दीपिका मीन जी से बात हुई थी तो कह रही थी कि मुझे थप्पड़ मारना था सोनम कपूर को, तो वो बहुत मतलब उन्होंने कहा मार दो तो मैंने भी जोर से मार दिया, तो इट वाज अ मेमोरेबल शूट फॉर हर, सो एनीथिंग लाइक दैट। मेरी जिंदगी का हादसा है जी, ये मेमोरेबल नहीं, ये ऐसी मेमोरी है की जो की आज तक कहते हैं वो थप्पड़ की गूंज, थप्पड़ की गूंज, डॉक्टर डैंग की जो थप्पड़ की गूंज है वो आज तक सुनाई दे रही है। जैसे कि मेरी सिस्टर इन लॉ शी इज आल्सो एन एक्टर, और वो एक सीरियल करते थे हम लोग तलाक क्यों, बहुत 18-20 साल पहले तलाक क्यों सीरियल आता था, तो उसमें हम दोनों को मौका मिला साथ में काम करने का पहली बार, तो वो मेरी वाइफ बनी थी, तो उस दौरान मैंने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया चलते टेक के अंदर, बिकॉज नया नया दिल्ली से एक्टर आया था ना, थिएटर वाला मेथड एक्टिंग का शॉप चला हुआ था, तो मुझे किसी ने बोला था कि एक्टर को बताना मत थप्पड़ लगा देना, तो बड़ा नेचुरल बड़ा ओरिजिनल रिएक्शन आएगा और बहुत बढ़िया आएगा। उस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने अपनी साली साहिबा को लगा के जमाटा दिया, बस उस थप्पड़ का ऐसा बदला लिया है कि अपनी बहन को मेरे गले बांधा, मतलब आज तक वो थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है। उस थप्पड़ का बदला आज तक उसने ऐसा लिया है कि मतलब मैं आज बर्तन मांजता हुआ दिख रहा हूँ आपको। सर उसकी भी वीडियो अपलोड करिएगा फिर तो। हाँ जरूर, बर्तन मांजते हुए बहुत जल्द वीडियो भेजूंगा मैं। Yeah, लगा तो रेडी है। Right. So sir, उसके अलावा मतलब or anything that you would like to share your experience as in what how would you describe your journey as? मतलब how I'm sure it has been amazing, but are there more things that you want to? मुझे I have no complaint. मैं कभी complaints नहीं करता हूँ, मैं हमेशा एक ही बात पे चलता हूँ, जिस हाल में मौला रखे, जो ईश्वर करता है बहुत अच्छे के लिए करता है, वो जिस जर्नी को हमें सौंपता है, हमारा काम है मेहनत करना, कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हमारा काम है मेहनत करते जाना, बाकी फल तो वो देगा, और आई एम ग्लैड अच्छा हुआ तो भी बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा होने वाला, इसलिए नहीं हुआ तो जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो मेरी ये फिलॉसफी रही है, इसलिए मैं ज्यादा रिग्रेट नहीं करता हूँ। आई बिलीव कि जो भी हालात में हम हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो उसकी मर्जी है, तो उसमें खुश कैसे रहना है, आई ट्राई टू फाइंड आउट दैट वे, और दैट्स हाउ। मुझे जो एक चीज आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी लगती है, यू ऑलवेज रेडी टू हेल्प आउट फॉर पीपल, बिकॉज आई रिमेंबर विद मी आल्सो वी जस्ट वर्क आउट आवर आइडियाज, एंड जितने लोग मेरे थ्रू भी मेरे फ्रेंड्स जो आपसे मिले, यू बीन अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आपका नॉलेज भी बहुत इम्प्रेस करता है, तो जैसे एक बार जब मेरे पैर में घुटने पर जो टेंडन टेर हुआ था, तो आपने बैठे बैठा मतलब जस्ट कैजुअली यू डिडंट हैव टू थिंक फॉर लाइक रिमेंबर, आपको याद था कि प्याज के रस में आप ये लगा के और इसको लगाए, मतलब इमीडिएटली आपने बताया, तो इस टाइप का जो नॉलेज है
ये नॉलेज जो है, ये ज्ञान जो है, ये कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान जितना ले ले उतना अच्छा हो। दूसरा क्या है कि बिकॉज आई सेड आई टोल्ड यू कि मैं यूट्यूब नेटवर्क चलाता हूँ, तो यूट्यूब में हम लोग होम रेमेडीज का चैनल भी चलाते हैं एक, जो जिससे हमारे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं F3 हेल्थ केयर के नाम से। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वही उसके वो नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हैं, तो वो रिसर्च करते हैं, तो उनके वीडियोज मैं शूट करता हूँ या मैं उनको एडिट में देखता हूँ, तो बहुत सारा ज्ञान मुझे उनकी रिसर्च से आ जाता है, तो वो माइंड में रह जाता है। तो जितना ज्यादा आप ज्ञान ले रहे हैं वो है आपके पास, तो आप जितना बांटेंगे उतना। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि फिर तो जो इस समय एक बहुत बड़ी चीज है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को आइडिया चाहिए करना है, तो ऐसा कुछ हमने 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 उस पे वीडियोस ऑलरेडी किए हैं, और हमारे हेल्थ केयर के चैनल पे F3 हेल्थ केयर के चैनल पे इम्यूनिटी बूस्टर के हमारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं लॉकडाउन पीरियड में। और लॉकडाउन पीरियड के अभी लोग तो नुकसान देख रहे हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं पॉजिटिव बातें ढूंढ रहे हैं कि उसमें से इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, उस पर भी हमने वीडियो किया है, वो भी जल्द अपलोड होने वाला है। दिस इज द राइट टाइम टू लीव, अपना नशे की आदत को आप छोड़ने के लिए ये बहुत ही बढ़िया वक्त है, जिसमें अगर आप छोड़ना चाहें तो कहते हैं 21 दिन बाद इम्यूनिटी अपने आप ही बॉडी यूज टू हो जाती है, तो अभी आपके पास बहुत वक्त है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो वो हम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ शूटिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ याद हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मतलब कैजुअली अगर आप बताना चाहें, मतलब जो चैनल पे जाके तो देखेंगे। सबसे ज्यादा सबसे मुझे मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेस्ट इस वक्त इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 2-3 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो विटामिन सी जो आंवले में है, आंवले आंवला क्या है, बहुत खट्टा होता है, कहते हैं 12 संतरों का की ताकत एक आंवले में होती है, ऐसा कहा जाता है। सो बेस्ट है कि आंवले खरीद लो और उसकी चटनी पीस लो, बिल्कुल क्रशर कर लो अपना, उसमें डाल के मिक्सी में, और चटनी बना के चटनी लो और पानी से घुटक जाओ, तो क्या इसी बहाने के क्या खा नहीं सकता, वो इतना ज्यादा खट्टा होता है कि आदमी को लगता है, तो आप एटलीस्ट एक चम्मच हाँ तो ये आप ले लो। संतरे खा सकते हो, दिन में रोज 2 संतरे आप खाइए, प्लस प्राणायाम जरूर कीजिए लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम एक है जो आप कर सकते हैं, अपना 21 बार किया जाता है इस तरीके से, तो 21 बार 21 काउंट करके ये कीजिए, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत हेल्प करेगा, जिससे लंग्स कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। प्लस जितना ज्यादा हो सके वार्म वाटर गर्म पानी आप पिए, तो आई थिंक यू आर शॉर्टेड। आप ये सब 3-4 चीजें आप करेंगे तो इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाना इज आल्सो वन वे ऑफ, बिकॉज़ और कोई इलाज क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज तो है ही, इलाज तो कोई है ही नहीं, तो आपको बेसिकली अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाना है, और विटामिन सी आप जितना बढ़ाएंगे बॉडी में उतना अच्छा है। प्लस साथ ही साथ आप वो भी कर सकते हैं, अपना एक टेबलेट आती है गिलोय वटी पतंजलि की, तो वो भी मुझे लगता है काफी हेल्प करेगी गिलोय के रूप में, आप उससे लीजिए तो इट्स आल्सो हेल्पफुल। ओके अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड इट वाज एन ऑनर कि आप आए और आपने अपना नॉलेज गरिमा जी आपने बुलाया और हम चले आए। अगले माह कैसी हैं आप? थैंक यू सो आई थैंक यू सो मच सर एंड आई होप टू सी यू सून एंड एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स। थैंक्स गरिमा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर दिस लाइव सेशन, लवली टॉकिंग टू यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर, जय माता दी। You too, remain safe. और कुछ मैसेज आया है, बहुत जय हिंद, स्टे सेफ। You too, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Yes, guys and girls, that was Naveen Saini sahab, an amazing person. He shared a lot of knowledge and see, please do listen to the advice. He said ke vitamin C थोड़ा ज्यादा लीजिए इन दिनों में, इम्यूनिटी बूस्टर होता है वो, सो ट्राई एंड सी, अगर आप संतरा मिलता है तो संतरा खाइए, या फिर आंवले का मुरब्बा ले आइए, या फिर आंवला अगर मिलता है तो ऐसी सेट पीस के रख लीजिए उसको खाइए, जिस भी तरीके से आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। And stay at home and stay safe. Tomorrow at 12 noon, I should be having Pammi Aunty. If you remember, Pammi Aunty bahut viral hai. The person who acts as Pammi Aunty is actually Sumer Pasricha, who is a very talented person. And wo live aane wale DG's Platter Pay at 12 o'clock tomorrow. So try and be online at that time. You can, and he also sings. He also is an amazing performer. And खाना भी बनाते हैं तो थोड़ी बहुत टिप्स भी मिलेंगी। एंड सो आई विल सी यू टुमारो एट 12। अंटिल दैट टाइम टेक केयर एंड बी सेफ।